पूरे देश में आजादी के 75 साल पूरे होने पर बीजेपी की ओर से आजादी महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके चलते आज पूरे प्रदेश में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता स्वर्गीय लाला लाजपत राय की जयंती को बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं और उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम सिटी करनाल ने भी बीजेपी की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें प्रदेश के स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने शिरकत की और मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कांग्रेस पर वार किया। छलनी भी बोले, जिसमें 36 छेद। आप कांग्रेस के जमाने के घोटालों को आज के घोटालों से कंपेयर कर रहे हैं? चारा घोटाला, हवा का घोटाला, जमीन का घोटाला, पानी का घोटाला, क्या क्या घोटाले, कोयला घोटाला। और आज सरकार में, इस सरकार में जो पेपर लीक हुआ, हमने तुरंत उस कर्मचारी को बर्खास्त किया। और बेचारे पिछले जो सरकारों में लोग लगे हुए थे, सुप्रीम कोर्ट ने हजार हजार, दो दो हजार लोगों को, उनके लगे हुए को, उनको आज निष्कासित कर दिया, जिनका कि जो जो खामियाजा है वो हम भुगत रहे हैं, क्योंकि वो हमारी सरकार में निकले हैं, लेकिन वो काले कारनामे तो पिछली सरकार के थे और हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने उसके खिलाफ फैसला दिया। मंत्री जी, आपके मंत्री, मेरे संज्ञान में कोई ऐसी बात नहीं है, आएगी मैं देखूंगा। आज कंगन को आरसी क्या, थोड़े समय में पता लग जाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, इसमें कोई शक नहीं। साथ ही उन्होंने लाला लाजपत राय की राष्ट्र को समर्पित उपलब्धियों के बारे में बताया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। भारतीय जनता पार्टी देशभक्तों की पार्टी है और इसके अपने विधान में, जिनकी वजह से हमारे देश को आज़ादी मिली, ऐसे सभी वीर क्रांतिकारी जिन्होंने अपना जीवन बलिदान किया देश की आज़ादी के ऊपर, ऐसे वीरों को, ऐसे क्रांतिकारियों को याद करना अपना कर्तव्य समझती है, अपना बेसिक काम समझती है। और इसी निमित्त अभी 23 जनवरी को हमने वीर सुभाष चंद्र, उसको याद किया, 7800 जगह हरियाणा में याद किया, पूरे देश में याद किया। ऐसे इसी प्रकार आज हमारे से 157 वर्ष पूर्व लाला लाजपत राय, पंजाब केसरी, शेरे पंजाब, जिसने आज़ादी में पंजाब में साइमन कमीशन के खिलाफ बीड़ा उठाया, लाठियां खाई, असहयोग आंदोलन किया, और जो कि लेखक भी थे, वकील भी थे और बैंकर भी थे, पंजाब नेशनल बैंक उनकी देन है, पंजाब केसरी अखबार भी उनकी देन है, और डीएवी स्कूल की जितनी संस्थाएं पंजाब में और हरियाणा में हैं, ये भी उनकी देन है। आज हमने उनको याद किया, भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ता और पूरा हरियाणा उनको याद कर रहा है, तो मैं भी उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ। और इसी कार्यक्रम के निमित्त जो प्रदेश संगठन ने मेरी यहाँ ड्यूटी लगाई थी, मैं यहाँ आया था और यहाँ के कार्यकर्ताओं के मैंने दर्शन। स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता का कहना है कि प्रदेश भर में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता देश के शहीदों की शहादत को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इसी कड़ी में उनकी ड्यूटी करनाल में लगाई गई है, जिसको लेकर वो करनाल पहुंचे हैं। उन्होंने कहा है कि आज लाला लाजपत राय जैसे क्रांतिकारी नेताओं की वजह से देश को आज़ादी मिली है और देश में ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं जो उनके नाम पर चल रही हैं। करनाल से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।